जब भी देश में कोई विशेष कार्य होता है, किसी भी नई चीज की शुरुआत होती है, या विदेश में हमारे खिलाड़ी सम्माननीय पदकों को जीतते हैं, तो उसके बाद बजाया जाता है हमारे देश का राष्ट्रगान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहां गाया गया था, और इसका निर्माण किसने किया था, और जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला था? खैर, आज हम आपकी इन सभी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे और राष्ट्रगान के इसी अद्भुत रहस्य और इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होता है, साथ ही देशवासियों के लिए सबसे सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार आज से ठीक 107 साल पहले गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में इसे गाया गया था। यही नहीं, राष्ट्रगान लिखने वाले देश के नोबेल पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रकवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने वर्ष 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था, बाद में आविद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित कर दिया था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि खुद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपने इस गीत का 1919 में अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किया था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष अनुरोध पर अंग्रेजी संगीतकार हर्बर्ट मुरिल ने इसे ऑर्केस्ट्रा की धुन पर भी गाया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा था। आइए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रगान गाने का नियम और कानून आखिर क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों की तरह राष्ट्रगान के सम्मान को बरकरार रखने के लिए भी कानून बनाया गया है। राष्ट्रगान की आचार संहिता के तहत राष्ट्रगान गाते समय नियमों और नियंत्रणों के समुच्चय को लेकर भारतीय सरकार समय समय पर निर्देश भी देती है। राष्ट्रगान को गाए जाने की कुल अवधि 52 सेकंड की है। इसे 49 से 52 सेकंड के बीच ही गाया जाना चाहिए। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियों ही बोली जाती है। इसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान का अपमान करने या इसे गाने से रोकने या परेशान करने से संबंधित व्यक्ति अथवा ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अपमान का दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। देशवासियों से अपेक्षा की जाती है कि जिस वक्त राष्ट्रगान बज रहा हो या गाया जा रहा हो, वो अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। राष्ट्रध्वज फहराते वक्त और परेड के साथ केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले और ठीक बाद में भी राष्ट्रगान बजाने का नियम है। आपको बता दें कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान में 5 पद है। राष्ट्रगान के रूप में इसके पहले पद को ही अपनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही अपनी आजाद हिंद फौज में जय हे नाम से इस गीत को अपनाया था। जन गण मन का पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। तब इसका शीर्षक रखा गया था भारत विधाता। तेलंगाना के जम्बीकुंटा गांव और हरियाणा में फरीदाबाद जिले के भरतपुर गांव में हर सुबह सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है। गुलामी के दौर में 1870 में अंग्रेजों ने गॉड सेव द क्वीन गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेजों के इस आदेश से उस वक्त के सरकारी अधिकारी बकिम चंद्र चटर्जी का काफी आहत हुए थे। इसके बाद उन्होंने 1876 में इस गीत के विकल्प के तौर पर संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से वंदे मातरम नए गीत की रचना की थी। शुरुआत में इसके केवल 2 पद ही रचे गए थे, जो केवल संस्कृत में थे। तो ये था हमारे राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रगान का इतिहास। आपको हमारे राष्ट्रगान के इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।